इस शख्स को। तुमने खलार मचाया। गंगाधराय शिव गंगाधराय। ये बिस्किट मैं पूरा नहीं खा रहा हूँ, ये शेयरिंग में चल रहा है, आधा वो खाएंगे आधा मैं खाऊंगा। तो जय शंकर महाराज, स्वागत है आप सभी का एक नई व्लॉग में। कौन है ये बटला? अपुन छोटा डॉन। तो यार अभी सुबह उठा था 6 बजे, इसको भाई साहब को, ये आप देख सकते हो, ये भाई साहब मम्मी के पहरे के लिए बैठा हुआ है। मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ, मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ। बाहर वॉक के लिए ले गया था, तो जैसे ही आया वापस मेरे को पता ही चला मैं वापस आके कब सोया हूँ। तो अभी कचरे वाली गाड़ी आई, उनको भी कचरा नहीं दिया यार, वो भी आज खाली करना। और जिनको मम्मी का हाल पूछ रहे थे उनको मैं बता दूं कि हेल्थ पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है और ये जो फीवर आ रहा है इसमें सभी को जॉइंट्स वगैरह में, मसल्स में बड़ा पेन रह रहा है। तो चाय पीने के बाद मिलता हूँ आपसे, आप बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको बिल्कुल अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, वेट कीजिए। तो यार भाई मेरा पोर्ट जा रहा है, उसको कुछ काम है, केसेस हैं बहुत ही हैवी हैवी, तो उसके लिए हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो अभी मैं अंडा बना रहा हूँ, ब्रेड ऑमलेट बना के दूंगा मैं उसको। चाय चढ़ चुकी है दोस्तों, तो मैंने कहा कैमरा ऑन करके आपको अंडा बनाते हुए दिखा देते हैं दोस्तों। तो अंडे को हम पहले फेंटेंगे, मैंने 2 eggs लिए हैं दोस्तों, एक एग वाइट और एक होल एग। इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया है, प्याज वगैरह का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। देखो देख सामने देखो, अबे रास्ते में क्यों खड़ा है फिर? तो देखो हमारा सर। तो दोस्तों हमने गरम तेल में अंडा डाल दिया है। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर आप ऐसे खाओगे आपको बड़ा स्वाद आएगा, आप कह सकते हो कि ये एग ऑमलेट सैंडविच टाइप बन जाएगा दोस्तों। पीनट्स लेके भूखा कौन सा पूजा है? सही बात है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने एक ब्रेड का पीस लिया, 2 ब्रेड के पीस लिए, ठीक है। इसको पहले हम एक बार ऐसे करेंगे और इसको उल्टा फेर दे देंगे। कैमरामैन कैमरा पकड़ो। इस पे दूसरी ब्रेड भी हम ऐसे लगा देंगे दोस्तों। किधर से घुसा रहा तू ब्रेड? तो इसको हम अच्छे से इस पे रख देंगे, गर्म नहीं है, डरने वाली बात कोई नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई का हाथ उठ जल गया, नहीं दोस्तों, चाय बन चुकी है। इसमें सोचो अभी इलायची नहीं डाली हमने, क्योंकि हमारे पास इलायची थी नहीं दोस्तों। बिल्कुल ही प्यार से आपने इसको पलटना है दोस्तों। ये देख सकते हो प्याज नहीं सड़ रहा है इसमें, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें गोल्डन गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसको प्लेट में परोसेंगे। इडली का डाल दे, चाय दे, चाय ज्यादा नहीं डालना और डाल बस। नो ब्रांड प्रमोशन दोस्तों, पैसा रखने में इतना मोटा भी नहीं है, लाख रुपए चार्ज। तो दोस्तों अभी हमको एक तारावाई की न्यूज मिल चुकी है, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये बच्चा यहां अंदर बंद हो गया था, ये निकला कैसे मुझे पता नहीं दोस्तों। तो ये इधर बंद हो चुका था, ये दरवाजा खोल के खुद ही बाहर आया है। देख रहे हो हमने कैसे कैसे लोग ट्रेन कर रखे हैं, हम डॉगीज को क्या ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपके पास कोई डॉगी है, ये देखो इसको हमने ऊपर चढ़ना भी सिखाया है कि जब भी दरवाजे बंद हो जाए तूने ऊपर भाग जाना। तो अगर आपके पास कोई डॉगी है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है दोस्तों, कॉन्टेक्ट अस राइट नाउ, हम उसे एक अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे। फीस हम बड़ी रीजनेबल चार्ज करते हैं। मेरा 30 मिनट की ट्रेनिंग का चार्ज अभी 45 लाख रुपए चल रहा है और GST अलग से लगती है और उसके बाद बहुत सारी और फैसिलिटी लगती है। ये इंसान फिर से हमको दर्शन देने आ गए हैं ऊपर। ये क्या है? अपना क्वेश्चन करेक्ट कर, पूछ कौन है? मेरा क्वेश्चन सही था, ये क्या है? कल जो आपका काम था रात को क्या किया मैंने? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। मैंने सब्जी बाहर रखा था कि ठंडा होने के लिए, फ्रिज में डाला। सब्जी बाहर रखा था? देख रहे हो इस शख्स को? देहान से देखिए इस आदमी को, क्या ये आपको किसी भी एंगल से नॉर्मल दिखता है? बता क्या खिलार था वो? तो अगर हमने रखा होता तो दिख जाता आपको। कढ़ाई मैंने निकाला नहीं था, सब्जी मैंने कोली में खाली करके रखा था कि ठंडा होगा फ्रिज में रखने के लिए। चावल खाली करके मैंने फ्रिज में रख दिया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा? बाकी तो यहाँ साफ सफाई तुमने खलार मचा के रखा। इधर कौन सी साफ सफाई थी चाचू? मैंने रात को इधर साफ किया है।
दोस्तों सबको खाना वगैरह खिला के स्कूल भेज दिया है मैंने, तो अब मैं अपने लिए खाना बना रहा हूँ। मजाक करो, पापा ने खाना खा लिया है, भाई ने खाना खा लिया है, भाई तैयार होके बैठा था मेरा सुबह से, उसको बाद में पता चला कि कोर्ट में छुट्टी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मेरे भाई ने दो दिन से काम किया नहीं था, तो उसने कहा कि मैं कोर्ट जाके रहूंगा, बाद में उसे पता चला कि कोर्ट में छुट्टी है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो अंडा हमारा जो है वो तैयार हो रहा है दोस्तों, इसको अभी हमने अब घर भेज देना है कल, क्योंकि इसके एग्जाम्स हैं परसों से। मुझे लगा इसके दांतों से खून आ रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कट कर देंगे ये सब। हम यार अंडा दूध में गिर गया। तेरे को पता है मैं अंडा लगा पेट में लगा ब्लॉग बन गया पूरा अंडा के अंदर। तो दोस्तों शिट हैपेंस समटाइम्स, तो अभी जितना बचा कुछ अंडा मिला है इसी से काम चलाएंगे दोस्तों। फोटो में बड़ा लग रहा है बट ये छोटा ही है। सॉस डाल के हम खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। इस इंसान की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। मुझे क्यों तोड़ा? क्योंकि मैं इसके टेंशन में आ गया था। क्या इसको भी दिखा देना वीडियो में। नहीं। तो ये है मेरा भाई, इसका नाम रुद्र प्रताप सिंह। 1 मिलियन तुम ये देख रही हो घर आ जाओ। अगर देख रही हो, देखो घर से डिमांड आई है दोस्तों। चले चल मैं आया। वो बोले कि घर पे मेरी बातें करते हैं बेवकूफ। मैं 1 मिलियन बोल। तूने बोले कि इसने घर पे लगाई होगी बात मेरी पागल। तो मेरी माँ भी फर्स्ट टाइम 2 दिन के बाद कमरे से बाहर निकलेंगे, सो रहे थे, उठे नहीं जा रहा था, आज खुद चल के बाहर आए हैं। तो यार हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी खुशी में मैंने अंडा दूध में दे दिया। तो मिलता हूं मैं आपसे खाना खाने के बाद। फीड कीजिए, ये पानी पिए जा रहा है। अंडे ने तवे से छलांग मार के। तो यार आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। आई होप आपको आज वाला व्लॉग काफी पसंद आया होगा। और जो मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स हैं उनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाके देखिए और बताना कि कैसे लगे। और जो भी पार्ट आपको व्लॉग का पसंद आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मुझे काफी अच्छा लगता है पढ़ने का। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे फनी और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स डेली प्रोवाइड कर पाऊँ और ये कंसिस्टेंसी कभी ना टूटे। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए हर हर महादेव, टेक केयर।